अस्सलामुअलैकुम GNN स्पेशल के साथ मैं हूं उज्मा नौमान। मुल्क की सियासी सूरतेहाल इस वक्त काफी दिलचस्प हो चुकी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने अपने क़यादत को बचाने के लिए सरगर्म है और हुकूमत चाहती है कि वफाक सूबों से ज़्यादा बाइख्तियार हो। गुज़श्ता रोज़ नवाज शरीफ और बिलावल भुटो जरदारी की मुलाकात में आर्टिकल 62-63 के खात्मे पर बात हुई। नवाज शरीफ साहब ने इस मामले में ताखिर को अपनी गलती करार दिया, जबकि दूसरी जानब तहरीक इंसाफ 18वीं तरमीम के खात्मे के लिए नून लीग के तआवुन की ख्वाहिशमंद है। ऐसे में नून लीग की अहमियत दोनों ही जमातों के लिए बढ़ गई है, मगर सवाल यह है कि नून लीग क्या चाहेगी, 62-63 का खात्मा या फिर 18वीं तरमीम को अंजाम तक पहुंचाना। ये सवाल बहुत अहम है और इन्हीं तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सियाकार नज़ीर लगारी साहब, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी जाफर इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और कुछ ही देर में हमें शौकत बसरा साहब और हसन मुर्तजा साहब भी ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ नज़ीर लगारी साहब मैं आपसे करूँगी। आपको लगता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर पार्लियामानी सियासत में कोई सरप्राइज़ दे सकती हैं? मेरे ख़्याल में दोनों जमातों के पास खासी तादाद है अरकान की, दोनों जमातें मिलकर एक मज़बूत अपोजिशन बनती हैं, लेकिन इस वक्त कोई एक फरीक PTI या PMLN या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनमें से कोई भी इस पोजीशन में नहीं है कि आइन के अंदर तरमीम कर सके। अगर दो फरीक मिल जाए हैं तो आइन के अंदर तरमीम की सूरत हाल पैदा हो सकती है। PMLN जो है, अगर उसको ये कहा जाता है कि आप हमारा साथ दें और आपको हम ढील देते हैं या आपके साथ डील करते हैं, आप हमारा साथ दें और हम 18वीं तरमीम को ख़त्म करें, तो एक डिज़ास्टर होगा छोटे सूबों के लिए। छोटे सूबे इस सूरत हाल को कबूल नहीं करेंगे, या छोटे सूबों के मासेस आम आदमी सिंध का, बलूचिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का इस सूरत हाल को कबूल नहीं करेगा, चूँकि 18वीं तरमीम जो है उसने बहुत बड़ा फेडरेशन को मजबूत किया, और उसके अलावा जो आग से शिकायत चली आ रही थी वो किसी हद तक कम हुई थी। लेकिन अगर वो 62-63 के खात्मे के लिए पीपल्स पार्टी के साथ जाती है PMLN, तो उसके पास वो पोजीशन नहीं है कि आइन के अंदर वो तरमीम कर सके, तो तरमीम नहीं हो सकेगी। मेरे ख्याल में एक दूसरे को राज़ी करने के तरीके जारी रहेंगे, एक दूसरे के साथ आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा, दूसरे को धोखा देना या डाई देने का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन अगर अपोजिशन एक पेज पर रहकर एक मज़बूत अपोजिशन का किरदार अदा करती है और हुकूमत को टफ टाइम देती है, तो फिर एक सूरत हाल आगे जाकर डेवलप हो सकती है कि आइन के अंदर क्या इस्लाहात हो सकती हैं, क्या होनी चाहिए। और लेकिन ये सब कुछ उस वक्त मुमकिन होगा जब PTI अपने वादे के मुताबिक सराय की सूबे की तश्कील के मरहले को तय कर लेगी। अगर सराय की सूबे का मरहला तय नहीं होता है तो फिर मेरे ख्याल में आइन में ना कोई तरमीम हो सकेगी और ना ही कोई पार्टी इस पोजिशन में होगी कि वो अपने अपनी मर्जी के मुताबिक आइन में तरामीम ला सके। अच्छा जाफर इकबाल साहब, आप क्या समझते हैं, नून लीग तरमीम करा सकती है अगर पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाती है? और आपको क्या लगता है नून लीग क्या कहाँ जाएगी, क्योंकि आप तो खुद पार्टी के अंदर हैं, पार्टी को समझते हैं, आपको क्या लगता है नून लीग पीपल्स पार्टी का साथ देगी या फिर अपने कायद को बचाने के लिए तहरीक इंसाफ का साथ देगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मुझे आपके ये सवाल बड़े अजीब लगे, और सवालों से ज़्यादा अजीब बड़े सीनियर और लिखने पढ़ने वाले लगारी साहब ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि कौन किसको डॉज देता है और कब धोखा देता है। और चलें, शायद हमारी किस्मत में यही है कि हम सियासतदान सब कुछ करके इस वतन के लिए, इस वतन में बसने वालों के लिए, और उसके बाद भी इन्हीं अल्फाज के जो है वो हकदार ठहरें, चाहे PTI के खुद स्पोक्समैन को मानना पड़े कि पंजाब हुकूमत के अस्पताल अप टू डेट हैं, वर्ल्ड क्लास हैं, चाहे आज इमरान खान की हुकूमत के अंदर खुद उन्हीं की ब्यूरोक्रेसी जो उनके नीचे काम कर रही है वो पंजाब असेंबली में ये लिख कर जमा कराए कि लैपटॉप स्कीम के अंदर कोई करप्शन कहीं नहीं हुई और वो तलबा व तालबात के मुफाद के लिए किया गया। जो दो सवालात आपने उठाए, कायद के बचाने के लिए और पार्टी को बचाने के लिए, तो मैं उन असहाब से जो ये सोचते हैं गुजारिश करूंगा कि 2014 के धरने में ख़ुद मियां नवाज शरीफ ने कहा कि उस वक़्त यूनिफॉर्म ऑफिसर ने ये कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, और मियां साहब ने उसकी ये बात ना मानी। क्यों ना मानी?
कि जब मुंतखब अवाम ने किया है तो वही मेरा एहतसाब करेंगे, मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। और 18वीं तरमीम की अगर आप बात करें तो वो भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर की थी, और फिर 5 साल हमारे दौरे हुकूमत में। लेकिन एक चीज थी, एक चीज थी जाफर इकबाल साहब, 18वीं तरमीम बेशक मिलकर की, लेकिन कोई बहस नहीं कराई गई, जो पार्लिमानी रिवायत है उसको मद्देनजर नहीं रखा गया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखा गया, और महज एक ही दिन में मंजूर भी करा ली गई। चलिए, अगर आप उस सारी तारीख से वाकिफ नहीं, तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी जिसे साबका चेयरमैन सेनेट रजा रबानी साहब ने हेड किया, और उसके अंदर कौमी असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर मौजूद जमातें जो हैं उनके लोगों को शामिल किया गया, और वो नोटिफाइड कमेटी थी। वो ऐसी कमेटी नहीं थी कि जिसमें लोगों को यूं ही कोई गपशप के लिए बुलाया गया हो, और उसने कई मीटिंग्स की, कई नशिस्तें हुई, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई, और क्या पार्लियामेंट में इस पर बहस हुई? जाफर इकबाल साहब, मेरा सवाल यह है कि क्या पार्लियामेंट में भी इस पर बहस हुई? पार्लियामान के अंदर मोहतरमा सारी मौजूद जमातों के पार्लियामानी सरबरा अगर एक कमेटी के अंदर मौजूद हों और वो कंसेंसस से फैसला कोई करके लेके आए और उसके बाद वो पास करें चलें, अगर नहीं हुई आज की मौजूदा हुकूमत, अगर हमारे अंदर कोई खामी थी, अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने उजलत में कोई काम किया था और वो 18वीं तरमीम के अंदर बेहतरी की ज़रूरत है, तो आज की हुकूमत हमसे ज़्यादा लोग उसे लायक और काबिल समझ के लाए हैं, तो वो करके देख लें, उसके ऊपर बहस भी कराएं, उसके अंदर तरमीम भी करें और उसे आगे लेके चलने के लिए बात करें। रही बात कि हमें क्या सूट करता है जो हमें मशवरा दिया जा रहा है कि हम पीपल्स पार्टी के साथ स्टैंड करेंगे, हम पीटीआई के साथ स्टैंड करेंगे। देखिए, अभी कल की बात है कि मुश्तरका इजलास की ज़रूरत पड़ी, पाकिस्तान मुल्क के ऊपर जो है वो जारियत इंडिया की तरफ से हुई, तो हम सब एक सफ के अंदर खड़े थे। पिछले 5 साल के अंदर भी यमन में फने की बात हो, इंतखाबी इस्लाहात की बात हो, फाटा रिफॉर्म्स की बात हो, ये सारी चीज़ें, हमने सी पैक की बात हो, ये ऐवान के अंदर, पार्लियामान के अंदर कमेटियाँ बन के और सबकी राय शामिल करके, सबको सुन के ये, और उसको कंसेंसस से आगे लेके चले। और आज इमरान खान साहब या इमरान खान साहब के तर्जमान अभी यहाँ मौजूद नहीं, वो इस मुलाकात पे बहुत बातें करेंगे, वो भी आ गए हैं स्टूडियोस में, अभी कुछ ही देर में वो भी इस पर अपना रिएक्शन देंगे। जी, तो उनको भी जरूरत पड़ेगी कि जब कोई आईनी तरमीम लानी है, जब कोई मुल्की मुफाद के लिए काम करना है, जहाँ सारी पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट के अंदर जो पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी है मुख्तलिफ हलकों से और मुख्तलिफ मकातब फिक्र की, उन सब को मिला के बैठने की, तो उन्हें भी मिलना पड़ेगा, उन्हें भी पैगाम भेजने पड़ेंगे, चाहे वो स्पीकर असेंबली को इस्तेमाल करें, चाहे वो वजीर दिफा को इस्तेमाल करें। यही तो बात हो रही है कि वो बैकडोर राबता करने की कोशिश कर रही है हुकूमत कि आप 18वीं तरमीम के खात्मे के लिए हमारा साथ दें, यही तो हम बात कर रहे हैं। इसमें बैकडोर नहीं, कोई बैकडोर नहीं, कोई बैकडोर नहीं। अच्छा, यानी आप तर्दीद कर रहे हैं इस बात, एहतराम करते हैं हमेशा हर ऐवान के अंदर। जी, आप तर्दीद कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, किसी बैकडोर की जरूरत नहीं है बीबी, किसी बैकडोर की जरूरत नहीं है। हम सब पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं और पार्लियामान के अंदर ऐसी कमेटियां बनती हैं, तश्कील पाती हैं, और सबसे मौसर कमेटी हाउस एडवाइजरी कमेटी है, वहां हर इजलास से पहले सारे पार्लियामानी सरबरा मिल बैठते हैं, और जो उन्हें किसी एक दूसरे से बात करनी हो, पैगाम देना हो, जो लेजिस्लेशन करनी हो, वो सब वहाँ पे सामने सामने ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जाफर इकबाल साहब। मीनवाइल शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन मुर्तजा साहब जी, देखिए, कमर जमान कायरा साहब ने बड़ा वाजिया कहा है, कोई उसमें ऐसी बात नहीं है जो बताने की ज़रूरत हो कि अगर हम इसे गिराना चाहें या हमारा कोई ये प्रोग्राम हो तो ये 4-5 वोटों पे है, और इसमें पूरी कौम जानती है, सारों के सामने है कि वो 4-5 वोटों पे भी है, और मैं उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, और बाकी जो उनके अपने भी हैं वो भी मांगे तांगे के हैं, वो वक्त के साथ वो ज़रूर बदल जाएंगे, जब वो इक्तदार कहीं जाता देखेंगे, तो उन लोगों ने नहीं ठहरना, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही कहा है कायरा साहब ने इसमें। अच्छा, शौकत बसरा साहब,
آپ کیا ریمارکس بات ابھی حسن مرتضیٰ صاحب کر رہے ہیں؟ اس میں بات یہ ہے خواب دیکھنے پہ اور خواہشات پہ کوئی پابندی نہیں ہے، یہ تو میں انہوں نے پرسوں اکٹھے ہوں نہ کالے اکٹھے ہوں، بالکل ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ آج سے اکٹھے نہیں ہیں، بدقسمتی یہی ہے کہ حسن مرتضیٰ میرے بھائی ہیں، ہم لوگوں نے اکٹھے ایک پیپلز پارٹی نے 25 سال ان کے ساتھ جدوجہد کی، آج جس نتیجے پہ پہنچی ہوا ہے پیپلز پارٹی اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے تھے کہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے قاتل ہیں، شہید بی بی کے قاتل ہیں، آج قبر میں بھی ان کی روح تڑپ رہی ہوگی کہ کن لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانے جا رہے ہیں، اور بات یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ان کے اپنے مقاصد ہیں، یہ کبھی بھی اس پوائنٹ یہ ایک دوسرے کو ڈاج کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ میں پتلی گلی سے نکل جاؤں، میرا کام سیدھا سیدھا ہو جائے، بات ختم ہو جائے، زرداری صاحب مجھے بتائیے کہ کیا یہ اس کو آپ نیچرل اتحاد کہتے ہیں؟ یہ تو بھانمتی کا کنبہ، اس لیے میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ وہی میاں نواز شریف صاحب ہیں جو سی او ڈی کے بعد باقی چھوڑ دیتے ہیں، کیا کیا کیا، شہید بی بی، شہید نصرت بھٹو صاحب آ کے پمفلٹ ہیلی کاپٹروں سے پکوائے، یہ وہ میاں نواز شریف ہیں، اس کے بعد بھی زرداری صاحب کو غدار ڈکلیئر کروانے کے لیے میمو گیٹ میں چلے گئے، یہ وہی شہباز شریف ہیں جو کہتے تھے گلا پیٹ پھاڑ دینا ہے، پٹا ڈال دینا ہے، سڑکوں پہ گھسیٹنا ہے، اور بلاول صاحب کیا کہتے تھے، ہم بھی نعرے لگاتے تھے، لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ایسے نعرے سیاست میں لگتے رہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کچھ نعرے ہوتے ہیں، جب آپ یہ کہیں گے کہ زرداری صاحب یہ فرمائیں گے کہ نواز شریف پنجاب توڑنا چاہتا ہے، یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی کہ پنجاب کو انڈیا کے ساتھ ملانا چاہتا ہے، جب زرداری صاحب بلاول صاحب یہ کہیں گے مودی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے، تو مجھے بتائیے یہ آپ کے حالات پہ رہتے ہیں، دوسری بات مجھے صرف ایک بتا دیں، ون پوائنٹ فارمولا، اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو اگر وہ بیمار ہیں تو 100 سال کی زندگی دے، لیکن یہ وہی میاں نواز شریف ہیں جب ان کی سپریم کورٹ میں بیل لگی ہے، اب ان کے بیان سن لیں، ابھی میں میئر چوری یاور صاحب ایک پروگرام میں پہلے اکٹھے ہوئے تھے، میں نے یہ کہا کہ صرف اور صرف پرابلم کیا ہے، میاں نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ ایون فیلڈ جو ان کے ماشاء اللہ جنہوں نے لوٹ مار کر کے فلیٹس بنائے ہیں، وہاں پر ایک فراری کیمپ موجود ہے جس کے اندر 3 مفرور پہلے موجود ہیں، یہ چوتھے وہاں جانا چاہتے ہیں ان مفروروں کے ساتھ ملنے، اور سب سے بڑی بات میں بڑی یہ تلخ حقیقت کہنے لگا ہوں کہ کرپشن کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں، آج مجھے بتائیے کہ اس بلاول صاحب کو جو وہ گود میں ہوتے تھے شہید بی بی کے، اس طرح وہ جب ملنے جاتے تھے زرداری صاحب کو، کیا کیا ان لوگوں نے نہیں کیا، اور میں حضرت مرتضیٰ صاحب سے کہوں گا کہ جو پیپلز پارٹی بچ گئی ہے پنجاب کے اندر، کے پی کے اندر یا بلوچستان کے اندر، خدا را آپ اس طرح ان لوگوں کے ساتھ اگر ہاتھ ملائیں گے تو انجام پہلے سے بھی برا ہوگا، اور ابھی جابر اقبال صاحب تو مسکرا رہے ہیں جی، یہ تو ایک دوسرے کو میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم ان کو کنٹینر بھی دیں گے، ہم ان کو کھانا بھی دیں گے، یہ بسم اللہ کریں کل، میں ایک بات اب وہ کلیئر کر دوں، عظمیٰ ہماری حکومت رہتی ہے رہے، نہیں رہتی نہ رہے، خان صاحب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں نہیں رہتی نہ رہے، اگر حکومت نہیں رہے گی تو پھر جو حکومت میں موجود لوگ ہیں وہ بھی دوسری جماعتوں کی طرف چلے جائیں گے، بسم اللہ، کس بات کا انتظار ہے، لے جائیں گے، یہ لے کے ہیں عدم اعتماد، ابھی قائرہ صاحب کو میں سن رہا تھا، میرے بڑے بھائی ہیں، لے کے ہیں عدم اعتماد، شوکت بسرا صاحب، جعفر اقبال صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گی، جعفر اقبال صاحب، نون لیگ کے پاس اگر آپشنز ہوں 62-63 کا خاتمہ یا پھر 18ویں ترمیم کا خاتمہ، نون لیگ کیا چاہے گی؟ محترمہ ابھی کوئی نہ ایسی مسلم لیگ نون کے پاس کوئی اکثریت ہے اسمبلی کے اندر، ہم اپوزیشن کے اندر ہیں، اور ترامیم حکومت کرتی ہے، حکومت لے کے آتی ہے جس کے پاس اکثریت ہوتی ہے، یہ آپ شوکت بسرا صاحب سے پوچھئے کہ وہ کیا کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اگر انہیں اپنی کسی سوچ کے لیے، انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا خود وہ جنوبی پنجاب سے ہیں، صوبہ بنے گا، لیکن جعفر اقبال صاحب اس وقت عوام بھی یہ جاننے میں انٹرسٹڈ ہے کہ نون لیگ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، کل جو ملاقات ہوئی ہے خاص طور پر اس ملاقات کے بعد نون لیگ یہ جاننا چاہتی ہے کہ میاں صاحب نو چھڑ دیو، اگر آپ مجھے، اگر آپ جس طرح شوکت بسرا صاحب کو انٹرپٹ کیے بغیر ٹائم دیا، میرے بھی چار جملے سن لیں تو میں اس بھائی کی بھی باتوں کے جواب دوں گا، اور آپ کے سوال کا بھی، ہم اپوزیشن میں ہیں، ہم کوئی آئینی ترمیم نہیں لا سکتے، یہ حکومت کا کام ہے، وہ اکثریت رکھتے ہیں ایوان کے اندر، وہ اپنی سوچ کے مطابق لے کے آئیں، اگر ان کے اندر یہ ابلٹی ہے کہ وہ کوئی ترمیم کر سکتے ہیں، کوئی کنسنسس ڈیولپ کر سکتے ہیں تو موسٹ ویلکم۔ شوکت بسرا صاحب کہہ رہے ہیں، پہلے بھی ایک پروگرام میں فرما کے آئے، وہ فرمانے کے بعد وہاں سے تشریف لے گئے، آج پہلے تو مجھے ترس آ رہا ہے شوکت بسرا صاحب پہ کہ انہیں وہ سول سپریمیسی کو چھوڑ کے اور کسی ایک ایسے شخص کی کیسے ترجمانی
और वो अल्फाज जो बिल्कुल शायद लिख के दिए हैं, कहीं इनके पास कोई पेपर होगा, ना पहले उनसे हटे ना आज हटे। और ये फरारी कैंप जिसे कह रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब सज़ा सुनने के बाद वतन वापस आए, अगर वतन से जाना मकसूद होता, अगर बाहर रहना मकसूद होता, कोई डील करना मकसूद होता, तो फिर वापस लौट के ना आते और जेल की सलाखों को ना चूमते ना कबूल करते। अभी ये कह रहे हैं कि बीमारी का वो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन चली गई और बैन कर रहे हैं। बसरा साहब, अल्लाह करे ना वो वक्त आए कि किसी को बैन करने पड़े, अल्लाह करे कि ना वो वक्त आए कि किसी की बीमारी का मजाक उड़ाया जाए। आज मुझे आपके ऊपर बड़ा तरस आ रहा है कि आपने शेख रशीद वाला लहजा अपनाया, आपने एतजाज अहसन ने जिस तरह से बीबी कलसूम के जो बीमारी का मजाक उड़ाया वो लहजा अपनाया, आज आप फवाद चौधरी, फयाजुल हसन चौहान और नईमुल हक की लाइन में आ गए, आज आप भी किसी की बीमारी की तहजीक करने लगे। आप ये याद रखिए कि ये वक्त ऐसे घूमता है कि फिर आपको वहीं पे चल खड़े होके और इसी तरह दरख्वास्त करनी पड़ती है या सोचना पड़ता है। बीबी की बीमारी का, बीबी कलसूम की बीमारी का मजाक उड़ाने वाले, आखिर उनकी मैयत आई, फिर उनके दिल को तसल्ली हुई कि हाँ वाकई मियाँ नवाज शरीफ दुरुस्त कहता था कि उसकी अहलिया बीमार है। जब मियाँ नवाज शरीफ सजा सुनने के बाद चल कर वापस आए, फिर उनको तसल्ली हुई कि मियाँ नवाज शरीफ डील करने वाला नहीं है। जब मियाँ नवाज शरीफ आज जेल के अंदर और उसने कहा है कि ये हुकूमत इतना ज़र्फ नहीं रखती कि वो किसी की बीमारी की देखभाल कर सके, मैं इलाज के लिए एक मिनट, एक आखिरी जुमला, एक आखिरी जुमला ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ साहब की मुलाकात, शौकत बसरा साहब आप देहाती इलाके से हैं, आप रवादार लोग हैं, आपने भी इमरान खान का चलन अपना लिया कि ना वो बीबी की ताज़ियत के लिए, बीबी शहीद बेनज़ीर की ताज़ियत के लिए गए, ना उनके पास ये अख़लाक़ी जुर्रत थी कि कलसूम नवाज़ की ताज़ियत के लिए जाती उम्रा जाते। और मियाँ नवाज शरीफ जब बीबी बेनज़ीर शहीद हुई वो चल कर हॉस्पिटल गया, और आप जैसे बहुत सारे जियालों को उस दिन सहारे की ज़रूरत थी, अपने सीने से लगाया। जब इमरान खान 2013 में गिरकर जख्मी हुए, इंतखाबी मुहिम चलाते हुए फूलों का गुलदस्ता लेकर गए, ये हमारी रवायात हैं। आप अगर इन रवायात को, आपका पॉइंट आ गया जाफर इकबाल साहब, आपका पॉइंट आ गया हसन मुर्तजा साहब, 18वीं तरमीम को अगर खत्म करने की कोशिश की जाती है तो पीपल्स पार्टी क्या करेगी? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में आइन की खालिक जमात है, हमने इस मुल्क को आइन दिया था 73 का, मुतफिका आइन था, और उसकी हिफाजत करना भी पीपल्स पार्टी पर वाजिब है। हम इंशाअल्लाह ताला उसकी हिफाजत करेंगे, और मैं ये समझता हूँ कि 18th अमेंडमेंट नामुकम्मल थी, हमें उस वक्त के डिक्टेटर के जितने भी तरामीम थी उनको आइन में से ख़त्म कर देना चाहिए था। मैं यहाँ पे, बसरा साहब मेरे बड़े काबिल एहतराम भाई हैं और हमारा बड़ा अरसा साथ भी रहा है, कई मजबूरियों की वजह से वो पार्टी से चले गए, खैर कोई नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ अगर फोकस प्रोग्राम के मुताबिक सियासी हवाले से हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी उन्होंने काफ़ी प्रोग्राम्स में जाना होता है, मैंने तो हर में होना नहीं होता, तो फिर मेरे से भी मुँह से भी अगर कोई ऐसी बात निकले तो वो अच्छी नहीं लगती। तो हम अगर सियासी हवाले से बात करते रहे, बाकी जितना कोई करप्ट है ये हर आदमी जानता है जी, तो मैं कुछ मेहरबानी करें अगर वो प्रोग्राम के मुताबिक बात करें तो ठीक है। अच्छा नज़ीर लगारी साहब, 18वीं तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी बहुत क्लियर स्टांस रखती है कि इससे वो ख़त्म नहीं होने देगी, बिलावल भुट्टो साहब भी बार बार कह चुके, 18वीं तरमीम के अकॉर्डिंग सूबों ने ऐसी कौन सी काबिल ज़िक्र कारकर्दगी दिखाई है कि इसे डिफेंड किया जाए? नहीं, अगर उसके मुताबिक अमल नहीं हुआ, अगर डिलीवर नहीं हुआ, अगर आइन की रूह के मुताबिक काम नहीं हुआ है तो उसमें आइन का या आइनी तरामीम का कोई कसूर नहीं है। अगर वफाक ने वो डिवॉल्व नहीं किए हैं डिपार्टमेंट्स या महकमे या वो सब्जेक्ट्स जो डिवॉल्व होने चाहिए थे वो नहीं हुए, तो इसमें आइनी तरमीम का क्या कसूर है? 18वीं तरमीम का क्या कसूर है? अगर अब भी वफाक के अंदर तालीम और सेहत के शोबे, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर सेहत के और हेल्थ के शोबे और सोशल सेक्टर के शोबे जो
आपको पता है कि 47 सब्जेक्ट डिवॉल्व हुए थे, बल्कि डिवॉल्व नहीं हुए थे, कंकरेंट लिस्ट का खात्मा हुआ था और वो तमाम जो महकमे थे वो चले गए थे सूबों के पास। अगर वो तमाम सूबों के पास नहीं हुए, अगर बजट जो है वो नहीं दिया गया सूबों को, अगर वो सारे का सारा, अब मुझे बताएं वफाक ने अमन अमान के लिए कुछ नहीं करना है, वफाक ने सेहत और तालीम के लिए कुछ नहीं करना है, वफाक ने सोशल सेक्टर के लिए कुछ नहीं करना है, वफाक ने फिर वफाक का 50 खरब का बजट क्यों है और तमाम सूबों का मिलाकर वो 25 खरब क्यों है, उससे आधे से भी तमाम सूबों का बजट होता है और वफाक का बजट जो है वो सबसे ज्यादा होता है, बल्कि दुगना होता है, और वफाक ने डिलीवर कुछ नहीं करना होता है। उसने ना बल्दियाती निज़ाम चलाना होता है, उसने ना हेल्थ और तालीम के शोबे में काम करना होता है, चंद फेडरल पब्लिक स्कूल्स होते हैं उनके पास उनके लिए, और चंद अस्पताल जो अभी एक गैर आईनी फैसला हुआ है जिसके तहत पॉइंट ये है नज़ीर लगारी साहब के सूबों ने भी क्या डिलीवर किया आखिर। मैं ये करता हूँ, सूबों के पास आपने नहीं दिया ना, ना डिपार्टमेंट डिवॉल्व किए, ना आपने फाइनेंशियल जो जो वो थे उनके वो पूरे नहीं किए। आपको लगता है कि 62-63 को खत्म होना चाहिए? मैं हाँ बिल्कुल समझता हूँ कि कोई ये फर्स्ट है पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के किसी मुल्क में ये 62-63 लगा कर देखें कोई इसके मयार पर पूरा नहीं उतरेगा। आप चले जाएं यूरोपियन पार्लियामेंट में, आप चले जाएं बर्तानिया में, आप वहां के जो है वो पार्लियामेंट में चले जाएं, आप अमेरिकन पार्लियामेंट में चले जाएं, ये 62-63 जो है ये तो उनसे भी ज्यादा तकाजा करती है कि आप आसमान से फरिश्ते ले आएं, इन इंसानों को खत्म कर दें, इन इंसानों को पार्लियामेंट से उठाकर बाहर फेंक दें, ये इंसान किसी काम के नहीं है। और ये तो आपने साबित करना है कि आप जो हैं वो सादिक और अमीन हैं, और सादिक और अमीन अगर आप तलाश कर रहे हैं तो फिर वो आसमान से मिलेंगे या एक खास दौर में आपको मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपने हिस्ट्री पढ़नी हो, खास तौर तारीख पढ़ने हो कि किसके किसके हाथ से खून, हाथ खून से रंगे हुए, कौन किसको लहूलुहान कर रहा है, कौन किसके साथ झूठ बोल रहा है, कौन किसके साथ मकर कर रहा है, कौन किसके साथ फ्रेप कर रहा है, तो फिर हम बैठे हम पूरी की पूरी वो तारीख पढ़ते हैं जिसके दोहराने के लिए ये 62-63 का जो अभी ये जो कर रहे हैं कि जनाब 62-63 तो 62-63 एक मखसूस अहद के लिए था, जो उस अहद के बाद कोई शख्स ऐसा नहीं है जो अपने आप को कहे कि जनाब हम 62-63 पर उतरते हैं। ज़ियाउल हक भी 62-63 पर पूरे नहीं उतरते थे, और ज़ियाउल हक के बाकियात जो दूसरे लोग भी हैं वो भी नहीं 62-63 पर पूरे उतरते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया नज़ीर लगारी साहब। शौकत बसरा साहब, नज़ीर लगारी साहब ये कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम की रूह पर अमल उस वक्त मुमकिन होता जब वफाक ने सूबों को फंड्स भी दिए होते और वफाक ने सूबों को फ्री हैंड भी दिया होता। उसमें पहली बात तो हम 62-63 की कर लें, इसका भी मैं जवाब देता हूँ। ठीक है, 62-63 कौन लेके आया? मियाँ बैठे हैं, मियाँ एचोरी जाफर साहब मेरे बड़े भाई हैं, ज़ियाउल हक जो मुँह बोला बेटा कहते थे मियाँ नवाज शरीफ साहब को, और कहते थे मेरी उम्र भी इनको लग जाए, और ये मेरे इजाज़ुल्लाह को वो बेटा नहीं कहते थे, इनको बेटा कहते थे, वो 62-63 लेकर आए। मुझे बताइए क्या 62-63 पाँच साल हुकूमत रही मियाँ साहब की, उस वक्त तो 62-63 ख़त्म ना हुआ। आज जो ये दोनों मिल रहे हैं पीपल्स पार्टी में, आपको बड़ी अहम बात कहना चाहता हूँ, दोनों जो मिल रहे हैं उसकी मेन रीज़न ये है कि 62-63 को ख़त्म कर दिया जाए। बहरहाल इस वक्त ना कोई टाइमिंग है, अब सबको एहतसाब सबका होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, जिसने लूटा है, जिसने डाका मारा है, चोरी किया है, वो शौकत बसरा होगा, और बल्कि मैं तो और कहता हूँ एक अमेंडमेंट लेकर आए, तहरीक इंसाफ भी तो खत्म करना चाहती है 18वीं तरमीम, इस वक्त नहीं करनी चाहिए ना करेंगे, मैं आपको हुकूमत का मौकफ दे रहा हूँ, बिल्कुल खत्म नहीं करेंगे। ये जो खबरें आ रही हैं, ये जो खबरें आ रही हैं कि नून लीग के ताब उनकी ख्वाहिश मान रहे हैं, मैं एक फिक्रा कह दूं, जी वैसे तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को यह करना चाहिए कि एक अमेंडमेंट लेकर आए कानून के अंदर कि जिस जिसने लूटा है चौको चौराहे में उनको फांसियां दें, क्योंकि और उसमें खा कोई भी आता होगा, तरीके इंसाफ का आता होगा, हमारा आता हो, हमें बजाय इसके के एहतसाब के मामले को मजबूत करना चाहिए। हाँ 62-63 पे जब वक्त आएगा, एक आमर लेकर आया था, हम नहीं लेकर आए, इसके ऊपर इसको एहतसाब को बेहतर करने के लिए अच्छे कवानी लाए जा सकते, हम उसके लिए हाजिर हैं, लेकिन इस वक्त 62-63 को छेड़ना बिल्कुल इसी तरह है कि जिस तरह आप पतली गली से उन लोगों को निकाल दें जिन्होंने लूटा और और 18वीं तरमीम को छेड़ना, 18वीं तरमीम को भी नहीं छेड़ना चाहिए ना छेड़ेंगे। देखिये बात यह है, 18वीं तरमीम भी इन्हीं के दौर में हुई,
उसमें आके तहरीके इंसाफ ने तमाम सूबों को फंड्स दिए हैं। अगर इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया था 116 अरब रुपए का भी रहता है, 116 अरब रुपया अभी रहता है, बिल्कुल रहता है। मैं बिल्कुल आपकी बात तस्लीम करता हूं, हमें तो खजाना खाली मिला, हमें हमारी ये कामयाबी, ये रोना तो हर आने वाली हुकूमत होती है ना। सुनिए मेरी बात, ये रोना जब पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली तब भी रोया गया, जब नून लीग को हुकूमत मिली तब भी रोया गया, अब तरीके इंसाफ को हुकूमत मिली है अब भी यही रोना रोया जा रहा है। हकीकत है, तलख हकीकत है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा कर्जे मुस्लिम लीग नून ने लिए, इसको जुटला दें इस बात को, मुझे ये बता दें वो कर्जे कहाँ गए। जाफर इकबाल साहब से पूछते हैं, जाफर इकबाल साहब बताएं। नहीं, एक बात मैं जाफर इकबाल साहब से कह दूं, अभी ये कह रहे थे बीमारी की बात, मैं उस बात पे फिर आना चाहता हूँ। इनसे इतना पूछ लें, 1981 से मियां नवाज शरीफ पहले वजीर खजाना बने, 37 साल से 3 दफा वजीर आला बने, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने, और कहते रहे कि पेरिस बना दिया पंजाब को, ये अरबों रुपए के हम इश्तहार देखते थे। आज वही मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि मैंने इनमें इलाज नहीं करवाना, भाई आप अपने इत्तेफाक अस्पताल में करवा लें, आप शरीफ सिटी में करवा लें। बात इशू ये नहीं है, इशू ये है कि किस तरह जेल से जान छूटे, चूंकि जेल काटी नहीं। जाफर इकबाल साहब जरा इस सवालों का जवाब दें जो शौकत बसरा साहब उठा रहे हैं। और हमने बीमारी का मजाक नहीं उड़ाया, बीमारी का मजाक तो आप खुद लोग उड़ा रहे हैं। अगर कोई शौकत बसरा साहब हुकूमत में है, इनके पास कोई दरख्वास्त मियां नवाज शरीफ की पहुंची है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी मैं कहीं और इलाज कराना चाहता हूं, शौकत बसरा साहब की हुकूमत ने उन्हें जिना हॉस्पिटल भेजा, वो जिना हॉस्पिटल में दाखिल रहे, वो कैदी हैं, वो इनके पाबंद हैं जहां ये लेके जाएं, इन्होंने सर्विसज हॉस्पिटल उन्हें भेजा वो वहाँ गए, इन्होंने PIC में भेजा वहाँ पर गए, और डॉक्टर्स ने जो इलाज तजवीज़ किया, जो रिपोर्ट्स दी, वो भी सबके सामने हैं, उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं जो दूसरी राय हो, वो कोई कहीं नहीं। अगर मियां साहब ने ये कहा है कि मैं इस इलाज से जिसमें मियां नवाज शरीफ बीमार नहीं है और कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता, अब हाई कोर्ट के खिलाफ आप बात करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। शौकत बसरा साहब कह सकते हैं कि मुखालिफ आप, चले शौकत बसरा साहब वो फरमा रहे थे, शौकत बसरा साहब मेरी गुजारिश होगी कि आप वही शौकत बसरा रहे जो पहले थे, खुदारा PTI वाले शौकत बसरा ना बने। अभी अभी अगर मैं बात मारे थे आपकी तरफ कर दूंगा, मुझे तारीफ करनी शुरू कर देंगे, आईना दिखाते हैं, मुझे चंद गुजारिशात कर लेने दें। सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ बेल नहीं मिलेगी। जी जी, आईना मैं दिखाता हूँ, आईना मैं आपको दिखाता हूँ। शौकत बसरा साहब, मियाँ साहब की सिर्फ इतनी हमारी जो है ख्वाहिश और जरूरत वो ये है कि जिस हॉस्पिटल में उनकी ओपन जो हार्ट सर्जरी हुई थी वहाँ चेकअप की जरूरत है। आप नहीं इजाज़त देंगे, अदालत इजाज़त नहीं देगी, हम कोटलकपा जेल के अंदर मौजूद हैं, हम वो भुगतने के लिए तैयार हैं। आपने बात की कि पीपल्स पार्टी और नून लीग तरमीम लेके आए, वो भले आदमी मेरे प्यारे भाई, आप हुकूमत हैं, अक्सरियत आपकी है, अभी मैंडेट आपको चाहे सिलेक्टेड मैंडेट है वो आपके पास है कि आप पिछले अदवार के अंदर जो कमी कोताही रही उसके अंदर तरमीम लेके आएँ। आप कह रहे हैं कि हम ये बिल लेके आए कि जो करप्शन करे उसे फांसी दी जाए, तो आपके हाथ मेरे प्यारे भाई किसने बांधे हैं? आप इस तरमीम के लिए फाइनेंस बिल ले आए, हसन मुर्तजा साहब आप ये अंडरटेकिंग देते हैं कि हम तरमीम लेके आएंगे। सुनिए सुनिए जाफर साहब, सुनिए आपने बात की, अभी अभी अली तरीन की, अगर हम तरमीम लेकर आएंगे तो आप सपोर्ट करेंगे? पीपल्स पार्टी भी बैठी है, आप भी बैठे हैं, बता दें। अली तरीन सर, मेरी बात का जवाब दे दें, आप सवाल का जवाब दे दें, मेरे सवाल का जवाब दे दें। फ्रेंचाइज को हम तरमीम लेकर आते हैं जिसने लूटा उसको फांसी पे लटकाया जाए, आप सपोर्ट करेंगे? भाई मेरी बात तो सुन लें, बसरा साहब बात सुन ले, आपकी जरूरत थी ऐसी तरमीम लाना जिसमें अली तरीन की फ्रेंचाइज को टैक्स माफ हो सके। आप वो फाइनेंस बिल ले आए, आप 4 माह के अंदर अगला बजट ले आए। आपकी जरूरत थी कि नैब कवानीन में तब्दीली करें कि अलीमा बाजी जैसा केस दोबारा आए, दुबई और न्यू जर्सी के जो फ्लैट आए तो वो कहीं अदालत में ना जाए, बल्कि वहीं नैब बैठा है। इल्जाम का सिलसिला तो ऐसे ही जारी रहेगा। हसन मुर्तजा साहब, अगर नून लीग पार्लियामेंट सियासत में आपका साथ नहीं, तो ये तरमीम लेके आए शौकत बसरा साहब की हुकूमत लेके आई। ठीक है, गंदम जवाब। जाफर इकबाल साहब आगे भी मुझे बढ़ना, हसन मुर्तजा साहब, अगर नून लीग पार्लियामानी सियासत में बतौर अपोजिशन आपका साथ नहीं देती है तो पीपल्स पार्टी के पास क्या हिकमत अमली होगी? देखें जी, पीपल्स पार्टी अपनी सियासत कर रही है, जहाँ तक ताल्लुक है, जिससे रात की नींदें हराम हुई हुई हैं PTI की, और जिसपे बसरा साहब भी
अब बड़ा भड़क रहे हैं कि वो जनरल जियाउलहक का बेटा और फलां और ये सर, मैंने आपको तो नहीं कहा कि आप हैं, नवाज शरीफ साहब को ही आपने कहा है। जी हाँ बिल्कुल, आपके मुकाबले में तो जनरल जियाउलहक का बेटा असल वाला है। हाँ तो मैं तो फिर कह रहा हूँ, लेकिन आपने सजा के नाम पे और चोरी और डाके के नाम पे किसी की बीमारी का मजाक उड़ाना, किसी की मौत का मजाक उड़ाना, आपने जो माहौल यहाँ पे पैदा कर दिया है, यहाँ पे साबित करने के लिए मरना पड़ता है। और ये जो रिवायत है बसरा साहब, ये इंतहाई गलत है। जहाँ तक ताल्लुक है हमारी मुलाकात का, तो वो उनकी ताज़ियत, उनकी तबीयत दरियाफ्त करना थी और इयादत करना थी। अल्लाह ना करे ताज़ियत हो सर, अल्लाह ताला उनको देगा जी, आपके कहने से ना लेता है ना ही देता है जी। आपके कहने से तो मरने होते तो सारे मर जाते अब तक। ठीक है, ठीक है। तो गुजारिश यहाँ पर यह है कि वो दो सियासतदान आपस में मिले, दो पार्टियों के सरबराहान मिले, उन्होंने बात की, इसमें ना तो कोई तरमीम की बात हुई, कट्ठे चलने की कोई ऐसी बात नहीं हुई कि कोई के खात्मे के मुतल्लिक भी बात हुई, वहाँ पे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुतल्लिक भी बात हुई, वहाँ पे और भी काफ़ी गुफ्तगु सियासी हवाले से हुई, लेकिन उसका मतलब ये कतन नहीं है कि कोई अलायंस बनने जा रहा है या हुकूमत को गिराने के लिए कोई हिकमत अमली तय हो रही है। इनका वो जैसा भी मैंडेट है, जो सिलेक्टेड मैंडेट इनको मिला है, ये उस मैंडेट के मुताबिक काम करें। हम तो इन्हें ऑफर कर चुके हैं कि कोई एनआरओ नहीं चाहिए। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को नाज़रीन आगे बढ़ाएंगे और बात सिंध में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के मामले पर भी अपोजिशन और हुकूमत में ठन चुकी है। वेलकम बैक नाज़रीन, औरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। सिंध में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप पर अपोजिशन और हुकूमत में ठन गई है। हुकूमत में मैं ना मानूं और अपोजिशन लेके रहेंगे के नारे के साथ मैदान में है। अपोजिशन ने दो दिन के एहतजाज और असम्बली के बाहर धरने की धमकी भी दे दी है और ऐसे में मुशीर इत्तला सिंध मुर्तजा वहाब अपोजिशन को अखलाकियात का दर्स देते नज़र आए। सवाल यह है कि मरकज़ और पंजाब में पीएसी की चेयरमैनशिप अपोजिशन के पास है, तो सिंध में ये रिवायत क्यों नहीं? हसन मुर्तजा साहब, पीपल्स पार्टी ने ही ये रिवायत डाली कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन होगा वो अपोजिशन से होगा, तो अब क्यों सिंध में ये इस पर अमल नहीं किया जा रहा? सिंध में इस रिवायत को क्यों नहीं परवान चढ़ाया जा रहा? देखिए जी, इस रिवायत को परवान चढ़ाना चाहिए। हमने हमेशा अच्छी रिवायात कायम की हैं, लेकिन जिस तरीके से नेशनल असेंबली में जो कुछ हुआ, जो कुछ पंजाब असेंबली के अंदर हुआ, आज तक हाउस में कमेटीज़ जो हैं वो मुकम्मल नहीं हो सकी, हाउस हमारे मुकम्मल नहीं है, तो सिंध में भी उनके कोई तहफ़ुज़ात होंगे, उनके साथ बैठें बात करें। मेरा नहीं ख्याल कि पीपल के पीपल्स पार्टी कहीं पर भी अपनी रिवायात को ख़राब करे या आइन के मावरा या आइन जाए कहीं पर, मैं नहीं समझता। जाफर इकबाल साहब, आप क्या कहते हैं इस पर? ये बड़ी मुनासिब बात की है, इसी तरह दुरुस्त है, मेरा ऐसा नहीं होना चाहिए, अपोजिशन को मिलनी चाहिए और अगर कोई डेडलॉक है तो जो हाउस एडवाइजरी कमेटी है उस फोरम पे बात करनी चाहिए और बातचीत ही से आगे मामले चलते हैं। अपोजिशन को मिलनी चाहिए वहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप। ठीक है, नज़ीर लगारी साहब, आपका क्या मौकफ है इस पर? जब इतने बड़े अहम सियासतदान जनाब जाफर इकबाल साहब और हसन मुर्तजा दोनों एग्री कर रहे हैं, तो मैं कौन होता हूँ इनमें इख्तलाफ करने वाला या इनकी कही हुई बात से इनकार करने वाला? मैं बाल प्लेयर तो नहीं हूँ, मैं तो बाहर से देखकर ऑब्जर्व करता हूँ और उसके ऊपर कमेंट करता हूँ और दोनों बड़ी शख्सियात ने आपको क्या लगता है फिर ये नौबत क्यों आ रही है कि अपोजिशन एहतजाज कर रही है? सिंध के मखसूस, सिंध के कुछ मखसूस हालात हैं। सिंध की लीडरशिप इस वक्त टारगेट में है। सिंध की लीडरशिप को जिस तरह से एहतसाब शुरू हुआ था पिछले साल से, शर्जील इनाम की गिरफ्तारी, उसके बाद जो है वो डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी, फिर कादर पटेल की गिरफ्तारी, फिर उसके बाद लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला हुआ था, तो उसके बाद बहुत सी रिजर्वेशंस आई हैं। उसके बावजूद मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी को अपनी अच्छी रिवायात जो उसने कायम की हैं और उनको बरकरार रखना जो है उसके लिए ज़रूरी है और पूरे हाउस को मुकम्मल करना चाहिए, तमाम कमेटियाँ बननी चाहिए, तमाम सूबों में कमेटियाँ जो हैं स्टैंडिंग कमेटीज़ बननी चाहिए
और यहाँ पर भी बननी चाहिए। सिंध में हम बैठे हुए हैं और ये पीपल्स पार्टी के दोस्तों से हम गुजारिश करते हैं, आपके इस प्लेटफार्म से, आपके इस फोरम से हम कहते हैं कि वो इस अना का मसला ना बनाएं। फिरदौस शमीम नकवी साहब जो हैं उनके साथ आप भी बात कर सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, और अगर उन्होंने वो कहाँ से जाकर ऐसा रिकॉर्ड ले आएंगे जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। मैं समझता हूँ कि उनके पास होना चाहिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मनसब, और जिस तरह से वफाक में है, जिस तरह दीगर सूबों में है, वहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। शौकत बसरा साहब, मुर्तजा वहाब साहब आज अपोजिशन को अखलाकियात का दर्स देते नज़र आए और उन्होंने ये कहा कि तहरीक इंसाफ जो है वो कमेटियों की क्यों इतनी फिक्र कर रही है, आवाम की फिक्र करें, आवामी मसाइल पर तवज्जो। मेरे ख्याल में उन्हें हमें लेक्चर देने के बजाय ये बात अपनी क़यादत से करनी चाहिए कि ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं। आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए, इन्होंने हाउस को हाईजैक कर लिया, नेशनल असम्बली को हाईजैक कर लिया, किस बात के लिए? कि वो शख्स जिस पर अरबों खरबों की करप्शन के रेफरेंस दायर है, आप मुझे बताइए अगर आप चोर को चौकीदार बना देंगे तो आप किस तरह आगे चल सकेंगे? और मियां शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ के दौर का ऑडिट करेंगे, इन्होंने हाउस को नहीं चलने दिया ना, कहा जब तक मर जाएंगे, मार देंगे, देखेंगे हाउस किस तरह चलता है। इन्होंने हाईजैक कर लिया, स्पीकर साहब पे हमले किए, बनाओ मियां शहबाज शरीफ हो चुके, रवायत ये रही है। अब भाई आपने अगर रवायत रही है, जैसे लखारी साहब ने कहा है, इतने दो बड़े लीडरों ने इतनी बड़ी बात कर दी है, तो मेरे ख्याल में जैसे ही हम स्टूडियो से बाहर निकलेंगे या अपनी अपनी क़यादत से बात करेंगे तो मसला हल हो जाएगा, ना हमें धरना देना पड़ेगा, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, ये तो काम ही बड़ा आसान हो गया। उन्हें ये बताएं कि मियां साहब, और उनको बताएं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, आपने वहाँ पर जिंदगी मौत का मसला बना लिया था एक करप्ट आदमी के लिए, यहाँ पर तो एक ऐसा शख्स बनने जा रहा है जिस पर कोई करप्शन का दाग नहीं है, किस पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। तो मेरा ख्याल कहता है कि दोनों भाइयों ने अगर कमिटमेंट दी है, लेकिन मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, ये नहीं बनाएंगे। जाफर इकबाल साहब, आप नहीं बनाएंगे, इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि जो पिछले 5 साल वहाँ पर काम हुए हैं, ये शौकत बसरा साहब बड़े जोरों शोर से मरकज में मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 8 माह से इस काम में लगे हुए थे कि हमारे खिलाफ कोई करप्शन का सबूत लाएं। तो पंजाब असम्बली में हायर एजुकेशन पंजाब का जो है महकमा, वज़ीर आला जनाब बुज़दार साहब जिन्हें इमरान ख़ान साहब वसीम अकरम 2 कहते हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी है कि उसमें कोई करप्शन नहीं हुई। तो लिहाजा ये अपने अल्फाज वापस लें, ऐसे ना इस्तेमाल किया करें। और इनकी तवज्जो जब इधर रही तो इनके वज़ीर आज़म ने जब अपने ऐलान किया था कारगर्दगी का 100 रोज़ा, उसमें मुर्गी और अंडे का जिक्र किया था, और आज कल पंजाब हुकूमत ने वो स्कीम बंद कर दी है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। जिन लोगों ने दरख्वास्तें जमा कराई थी जनाबे सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के कहने पे, उनको देने के लिए मुर्गियां भी नहीं हैं हमारे पास। तो ये खुदारा अपनी कारगर्दगी पे, अपने कहे हुए लफ्ज़ों पे, अपने मंशूर पे, उसके ऊपर फोकस करें। और हम ये कह रहे हैं कि ये एहतसाब करेंगे करप्ट और चोर, ये ज़रा मेट्रो पिशावर वाली उसको भी भाई कहीं शौकत बसरा साहब डिस्कस कर लें, आप खुद चले जाएं। और ये पंजाब की जो 2 मेट्रोज मुल्तान और लाहौर और तीसरी पिंडी इस्लामाबाद वाली, इनको भी देख लें और फिर खुद ज़रा टीवी पे बैठ के बता दें कि करप्ट कौन है और काम करने वाले कौन है। ये जो रेफरेंस दायर हुए हैं एहतसाब अदालत में, ये इंडिया की अदालत में दायर हुए हैं? ये जो मियां शहबाज शरीफ जिसमें पेशियां भुगत रहे हैं, ये क्या है? जी, बहुत ये अच्छी मैं बात बता देता हूँ, अगर जान की अमान पाओ जी, तो जी, मैं बहुत अच्छी बात। उसमें ये कहा गया है, उसमें ये कहा गया है, बहुत अच्छी बात। मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए, जवाब मेरी बात, मुझे जवाब देने दीजिए। सवाल करें ना, सवाल किया आपने, ये रेफरेंस इसलिए है, ये इसलिए है कि वो लाडला असेंबली में आते हुए घबराता है, अगर वहाँ शहबाज शरीफ साहब हों, अगर वहाँ साद रफीक साहब हों, ठीक है। जाफर इकबाल साहब, आपका पॉइंट आ गया, के लिए जाफर इकबाल साहब, आपका पॉइंट आ गया। उस सिलेक्टेड वजीर आजम ने मिन्नत भी की, इस जो है वो असद कैसर साहब के लिए, जाफर इकबाल साहब, आपका पॉइंट आ गया कि भाई जरा हाथ होला रखें। आप अदबी समाधि तरीका बता रहे हैं दोनों, इसलिए बात की तरीका भी बता दें और ये बता दें जल्द से जुलूस कब कर रहे हैं, ताकि हम कंटेनर तैयार रखें, खाना खाना तैयार रखें आपके लिए। बसरा साहब काम कीजिए, 50 लाख घर बनाइए, 1 करोड़ नौकरियां दीजिए, डॉलर की कीमत नीचे लाइए, तेल और पेट्रोल की कीमत नीचे लाइए, ये दवाइयां बढ़ाकर वो नीचे लेके आए, अदम एतमाद का इंतजार ना करें। ये आपकी ख्वाहिश रहेगी,
عدم اعتماد نہیں آئے گا جعفر اقبال صاحب آپ کو کام کر کے دکھانا ہوگا آپ کا پوائنٹ آ گیا جعفر اقبال صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا حسن مرتضیٰ صاحب اپوزیشن یہ الزام لگا رہی ہے کہ سندھ حکومت کمزور گورننس کر رہی ہے سندھ حکومت اس طرح سے حکومت نہیں کر پا رہی ہے گورننس کے معاملات ویک ہیں دیکھیں جی ہماری گورنمنٹ کے تو احتساب جو ہے پہلے دن سے شروع ہے چیف جسٹس آف پاکستان جب ثاقب نثار صاحب تھے وہ تھر بھی تشریف لے گئے انہوں نے ہمارے این آئی سی وی ڈی بھی جو ہیں وہ بھی وزٹ کیے انہوں نے جناح ہاسپٹلز بھی وزٹ کیے انہوں نے ہمارا وہاں جو جوائنٹ وینچر میں اسکول سسٹم ہے وہ بھی دیکھا سارا کچھ دیکھ کے ایک لفظ تک نہیں انہوں نے ہمارے خلاف کہا بلکہ تعریف ہی کی اور اب بھی جا کے آپ ہمارا سارا سندھ دیکھیں وہاں ترقی بھی ہو رہی ہے خوشحالی بھی ہے ان سے تو ایک یہاں پہ پی ایس ایل کا ایونٹ نہیں ہو سکا وہ بھی سندھ منتقل کرنا پڑا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے وہ ہم سندھ ٹرانسفر کر رہے ہیں کہیں بھی ہو ہے تو پاکستان نہ چاہے لاہور میں ہو چاہے کراچی میں ہو بات ہے لا اینڈ آرڈر کی کہ یہاں پہ تو جو حالات اب بنے ہوئے ہیں جو پنجاب کے اندر حال ہے 8-9 مہینے سے ان کی حکومت ہے صفائیاں لیکن حسن مرتضیٰ صاحب یہ تو پاک بھارت کشیدگی کی وجہ سے ہوا ہے معاملہ کوئی انٹرنل معاملہ تو ایسا نہیں تھا یہ تو پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں کراچی شفٹ کیا اس میں میں نے صرف ایک سوال کرنا جو پارلیمنٹ کی طرف جا رہا ہے نہیں ایک سوال گھر چلا جا وہاں اگر کچھ نہیں کرنا ہے ایک سوال ایک صرف ایک سوال جعفر صاحب سے کرنا ہے مجرم دکھا دیں جس کو ہم نے کہا ہوا ہے کہ بھائی اپنی مرضی کا اسپتال بتاؤ گزارش یہ ہے جی بسرا صاحب گھوم پھر کے نا اسی ٹاپک وہی ہے نا آپ کو اس ساری ڈیبیٹ سے کوئی کہیں لگ رہا ہے کہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا یہ معاملہ یہ جو بسرے نہیں چلن دینا اے غلط ہے آج تو آپ کو اون کسی کروٹ بیٹھتا دکھائی دے رہا ہے نذیر لغاری صاحب میں پہلے تو دونوں دوستوں سے گزارش کرتا ہوں حسن مرتضیٰ صاحب سے اور شوکت بسرا صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ میں بات کر رہا ہوں بہت مہربانی کر کے وہ اس میں مداخلت نہ کریں ان کی بہت مہربانی ہوگی میں کہتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے کہ جو ہر لحاظ سے بے مثال دور ہے یہاں اپرچونیٹیز آ رہی ہیں آپ الزامات کی سیاست سے باہر نکلیں آپ ایک دوسرے کو گالیاں دینے کی سیاست سے باہر نکلیں آپ آگے بڑھیں پاکستان کے آگے خوشحالی دستک دے رہی ہے پاکستان کے بہت سے معاملات کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اگر ہم چند ایک چیزوں کو ٹھیک کر لیں آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا کم از کم اس کا ایک فائدہ ہوا تھا کہ دہشت گردی کا اب وہ دورہ نہیں ہے جو 2013 یا 2014 میں ہوا کرتا تھا یا 2015 تک اب اس کو نیست و نابود کر دیا گیا ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا آپ کا میسج یہی ہے کہ صرف پاکستان کے مفاد کے لیے کم از کم سب اکٹھے ہو جائیں اور یہ الزامات کی سیاست چھوڑ دیں شوکت بسرا صاحب حسن مرتضیٰ صاحب چودھری جعفر اقبال صاحب اور نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ سب کا پروگرام کا وقت ختم ہو آپ سے ملاقات ہوگی ان شاء اللہ کل اللہ نے کہا